79 साल पहले 27 मई 1951 को दुनिया ने पहली बार सफेद बाघ को देखा था। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जीशान जावेद आपके साथ। शिकार के दौरान तत्कालीन महाराज मार्तन सिंह ने सफेद बाघ को पकड़ा, गोविंदगढ़ किले में रखा। पूरी दुनिया में इसी के वंशज मौजूद हैं। मोहन की याद में मुकुंदपुर में सफेद बाघ की दुनिया की एकमात्र सेंचुरी बनाई गई है। हमने मोहन को लेकर रीवा महाराज पुष्पराज सिंह से बात की। आज से ठीक 79 साल पहले रीवा में एक ऐसी घटना घटी जिसके बारे में जब तक दुनिया रहेगी लोग याद करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के पहले सफेद सिंह की। 27 मई 1951 को रीवा महाराज मार्तन सिंह जी जोधपुर महाराज के साथ सीधी के जंगलों में शिकार के लिए हाँके पड़ चुके थे। उस दौरान एक नन्ना शावक बाघ का देखा गया। बाघ का वह शावक अद्भुत था। उस शावक को महाराज ने पकड़वाने की कोशिश की, अंततः उसमें उनको कामयाबी मिली। वह शावक कैसा था, उस शावक के बारे में आगे चल के कितने तरीके की किंवदंतियाँ आई, कितने तरीके की कहानियाँ गढ़ी गई, इन सब के बारे में जानकारी के लिए हम इस समय मौजूद हैं रीवा महाराज पुष्पराज सिंह जी के पास। हम उन्हीं से जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, आपको भी समझाएंगे मोहन इस दुनिया में कैसे और किस तरीके से आए, आज उनको लोग क्यों याद करते हैं। आपने एक ऐसी बात छेड़ दी जो केवल मैं परिवार का हूँ इसलिए नहीं, लेकिन जो भी विंध्य की माटी में पला बढ़ा है, जब सफ़ेद बाघ और मोहन की बात आती है तो उसको रोमांच फूटता है। ये कहानी है 1951 की, सीधी जो आज वर्तमान में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का जो एक बड़गड़ी क्षेत्र है वहाँ पर। हमारे यहाँ चूंकि जोधपुर से रिश्तेदारी थी, जोधपुर के महाराज कुमार साहब अजीत सिंह जी, जिनके नाम पर जोधपुर में अजीत भवन बहुत बड़ी होटल है, वो आए हुए थे। उन्होंने अपना पड़ाव करा पहले खखरी में। वहाँ पर खबर आई कि एक बाघिन है और उसका शिकार हो सकता है, उसके साथ एक बाघ भी है, ऐसी कुछ बातें आईं। खखरी से जो वो क्षेत्र है जिसका उल्लेख मैंने करा, बड़गड़ी, वो बहुत दूर नहीं है, लगभग 60-70 किलोमीटर के आसपास शिकारगंज वो क्षेत्र शुरू हो जाता है। तो वहाँ काफ़िला रखा था जिसको हम बेस कैंप कह सकते हैं, वहाँ से ये लोग गए शिकार पर। स्वर्गीय महाराज साहब भी हमारे साथ में थे और वहाँ पर जब शिकार हुआ तो अनायासिक एक बाघिन का शिकार हुआ। और आज शायद पहली बार रीवा के इतिहास में जो वो बाघिन मारी गई उसका फोटोग्राफ मैं आपको इसके माध्यम से दिखा रहा हूँ। बहुत अच्छा ये लगता है कि जब चैनल वाले मेहनत करते हैं तो हम लोगों को भी कुछ मेहनत करके आपको, आपकी खबर को इतनी अच्छी बनानी चाहिए और इतनी पुख्ता भी बनानी चाहिए कि जिसके बारे में लोग शंकाएं या आशंकाएं न कर सकें, प्रशंसा करें। उसके बाद ये बाघिन मारी गई और अनायासिक दो बच्चे निकले। अब ये हुआ कि इनको मारा जाए कि इनको रखा जाए, और जब एक बच्चा उनको दिखा वो था सफ़ेद बाघ। तो स्वर्गीय महाराज हमारे जो हैं पूज्य पिता, उन्होंने महाराज अजीत सिंह जी की बंदूक को नीचे हाथ करके रख दिया और उन कहा कि अब मारना नहीं है, अब पकड़ना है। तो वहाँ से एक अनायासिक मूवमेंट शुरू हुआ और ये तय हुआ कि अब इस वाइट टाइगर को पकड़ना है। फिर उसके बाद वहाँ पर एक पिंजड़ा बनाया गया। पिंजड़ा लगभग वहाँ पर रखा गया, उसमें गर्मी के दिन थे, स्वाभाविक की बात है कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जून का महीना था, मई का महीना था,
उसके बाद वहाँ पर एक मुर्गी डाली गई और वो पानी रखा गया और एक खो में ये छुप गया था। तो लगभग 1.5 दिन वहाँ पर वो अंदर छुपा रहा, बाहर मुर्गी और पानी रखा गया पिंजड़े में। उसके बाद वो धीरे से बाहर निकला। जब निकला तो उसको पकड़ा गया, बैम्बू से बांस से वो पिंजड़ा बनाया गया था। एक पुरानी गाड़ी थी और वो गाड़ी में एक जोंगा जीप जिसको उस ज़माने में कहते थे, उसमें उसको लाया गया गोविंदगढ़ में। तब तक जल्दी जल्दी यहाँ पर ऐसी स्थिति करी गई कि वहाँ पर एक बाघ रह सके। एक छोटा सा पिंजरा पहले रखा गया, एक छोटा सा छोटी सी जगह रखी गई और उसके बाद वहाँ पर लाकर उसको रख दिया गया। अब उसके बाद क्या होता है कि जब ये वहाँ पर आकर रखा जा रहा था, और उस समय मीडिया तो इतनी पावरफुल नहीं थी, लेकिन ला के रखते रखते BBC लंदन ने अनाउंस कर दिया कि वर्ल्ड का पहला सफ़ेद बाघ महाराजा रीवा ने पकड़ के गोविंदगढ़ में रखा है। पूरे भारत में और पूरे विश्व में एक तहलका मच गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी बधाई का संदेश आ गया, बहुत सारी चीज़ें हुई और वहाँ से आरंभ हुई ये वाइट टाइगर की पीढ़ी, और वहाँ से आरंभ होता है ये वाइट टाइगर का इतिहास। वाइट टाइगर का इतिहास मोहन से पता है। मोहन और राधा, जी हाँ, मोहन और राधा दुनिया में जितने भी इस समय सफ़ेद बाघ हैं वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, सब उन्हीं की संतान हैं। सर, इनके बारे में कुछ जरा विस्तार से। राधा और मोहन, पहले जो मोहन को पकड़ा गया और उनके साथ जिसको रखा गया उसका नाम था बेगम, और बेगम के साथ मिलाप कराने के बाद जो उनका बच्चा हुआ उसका नाम रखा गया राधा। और दूसरी बार राधा के साथ मोहन को मिलाया गया, और दूसरी बार जब मिलवाने के बाद, एक टेक्निकल भाषा है मेंडल्स लॉ, तो मेंडल्स लॉ ये बोलता है कि तीसरी बार में वाइट टाइगर निकल सकता है या वाइट जीन निकल सकती है, लेकिन हमने उसको ब्रेक करके दूसरी बार में ही कामयाबी हासिल कर ली और पहला बच्चा हुआ जो उसमें से एक वाइट था। ये तो हुई राधा और मोहन के बच्चों की कहानी। इस कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट भी हैं। महाराज से हम ये जानने समझने की कोशिश करेंगे, गोविंदगढ़ के बाग में, किले में जब बाघ को रखा गया तो वहाँ पर कितने बच्चे हुए, उनके खान पान और तमाम लोगों की ये बहुत सारी जिज्ञासाएँ कि उनको किस तरीके से वहाँ रखा जाता था, खाने के लिए क्या दिया जाता था, किस तरीके से आज सफ़ेद से दुनिया में फैले, उनकी किस तरीके की कितनी संतानें हुई, इसके बारे में भी जरा हमारे दर्शकों को आप समझाएं। मैं एक बहुत रेयर चीज़ दिखाना चाहूँगा, इसको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये ओरिजिनल प्लेट है उस बाघ के ऊपर जिसकी मैंने आपको फ़ोटो दिखाई और जो संभवतः मोहन की माँ थी। और एक बात और भी मैं कह दूँ कि हर बाघ में जैसे अपने अंगूठे में एक व्यक्ति के पास एक ही अंगूठा का एक निशान रहता है, उसी प्रकार से बाघ का जो इतना पोर्शन होता है उसमें जो उसकी धारियाँ होती हैं वो एकदम एक बाघ में एक ही होती है, दूसरे बाघों में वो चीज़ नहीं होती है। तो आप इसको देख लें, ये धारी को भी, और यही धारी आपको इसमें दिखेगी। ये एक ही बाघ की तस्वीर है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। जो लगभग गोविंदगढ़ में
मोहन के लिटर्स हुए, उनके बच्चे हुए, वो लगभग 19 बच्चे उनके माध्यम से हुए। उनका आखिरी बच्चा था विराट। मोहन के अलावा भी जो फिर बाघ हुए, विराट जिसपे से अंतिम था, उनके भी बच्चे हुए। सैमसंग करके भी था एक, झगड़ू करके भी एक बाघ था, ऐसे बहुत सारे, एक चमेली थी, उनके भी अलग अलग बच्चे हुए, उनका मैं जिक्र अभी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो सीधे सीधे मोहन की फैमिली से हुए वो लगभग 19 बच्चे हुए, और उसका अंतिम जो बच्चा था वो था विराट। और विराट को माननीय महाराज साहब ने इंडियन नेवी की एक स्क्वाड्रन का नाम विराट रखा जा रहा था, तो भारतीय नौसेना ने हम लोगों से बात करी, तो हम लोगों ने वो ट्रॉफी जो है विराट की उसको भारतीय नौसेना को दे दी, जिसका नाम विराट रखा गया, और संभवतः वो गोवा में है इस समय। विराट जी हाँ, जिस युद्धपोत को आप विराट के नाम से जानते हैं उसका नामकरण रीवा के सफ़ेद बाघ के नाम से किया गया। सर, मोहन ने जब इस दुनिया को अलविदा कहा तो कहा जाता है महाराज ने कंधा दिया, उसके बारे में भी जरा कुछ बताएंगे। देखिए, मोहन हम लोगों के परिवार के सदस्य जैसा था, और केवल महाराज मार्तन सिंह जी की, हमारे स्वर्गीय महाराज साहब की, वो सीटी पहचानता था। अगर उन्होंने सीटी बजा दी पहुंचने के पहले, दिखने के पहले, तो मोहन के कान खड़े हो जाते थे, वो उसके फेस पर, एक चेहरे पर एक चमक आ जाती थी, और वो उनसे बहुत मोहब्बत करते थे और वो भी उनसे उतनी ही मोहब्बत करता था। तो एक परिवार का सदस्य था, और परिवार के सदस्य को कांधा देने में, या शहीद को कांधा देने में, या राष्ट्रीय धरोहर संपत्ति अगर जा रही हो उसको कांधा देने में, तो कहीं कोई शर्म की बात नहीं है, कहीं कोई लिहाज नहीं है। मैं आप, जैसा कि अभी आपने कहा कि महाराज की उस सीटी भी पहचाना करते थे मोहन, कहा जाता है कि मोहन हफ्ते में एक भी मांस नहीं खाते थे, क्या ये बात सच है? जी, वो रविवार को व्रत रखते थे और केवल दूध पीते थे। अगर मोहन मांस नहीं खाता था तो अब घास तो खाएगा नहीं, लेकिन दूध पीता था। कोई कहानी दुनिया के पहले सफ़ेद बाघ मोहन की, जैसा कि महाराज ने स्वयं बताया, हफ्ते में एक दिन उनका उपवास होता था, उस दिन वह दूध पिया करते थे। गोविंदगढ़ के किले में उनकी 19 संतानों ने जन्म लिया। लगभग लगभग माना जा सकता है आज की तारीख में दुनिया में जितने भी सफ़ेद बाघ हैं वह सब मोहन की ही संतान हैं। न्यूज नेटवर्क टुडे के लिए मैं जावेद अंसारी, समीम सौदा के साथ। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।